बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कुक विद शावी। तो आज मैं आपके लिए वाइट सॉस चिकन पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये बहुत क्रीमी, बहुत मज़े का बनता है, तो चलें बनाना स्टार्ट कर देते हैं। देखें गाइस, यहाँ पर पानी ले लें हसबे ज़रूरत, और इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, ये भी हसबे ज़रूरत है, और इसे बॉयल आने देंगे। जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा, हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने पेना पास्ता लिए 2 कप, आप अपनी पसंद की कोई भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं। देन हमें इसको 7 मिनट तक बॉयल करना है। जैसे ये बॉयल हो जाएगा, हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे और ठंडा पानी गुजार लेंगे। देन हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे, और ऑयल ऐड करने के बाद इसको मिक्स करके साइड पे रख देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखें गाइस, पैन में हम 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल जैसे गर्म होगा, हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 पाउंड चिकन ली है बोनलेस, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है, वो ऐड कर देंगे। और हम इसे कुछ सेकंड सोते कर लेंगे ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। जिसे चिकन कलर चेंज करेंगे, हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून तक ही ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। और बस ये 2 चीज़ें ऐड करने के बाद इसे हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे और इसका कलर चेंज होने देंगे। जैसे इसका कलर गोल्डन हो जाएगा, देखें इस स्टेज पर रखते हैं, यहाँ पर चिकन हमारी कुक है। अब हम इसे जारे की मदद से निकाल लेंगे। तो मुकम्मल चिकन हमें निकाल लेनी है, देखें इस तरीके से, और किसी भी प्लेट में, बाउल में निकाल लें। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो देखें, इसी पैन में हम वेजीज फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं कैरेट ऐड कर रही हूँ, गाजर, क्योंकि गाजर बेसिकली तमाम वेजेस में से हार्ड होता है। तो हम सबसे पहले ऐड करेंगे और थोड़ा फ्राई कर लेंगे इसको। जैसे ये थोड़ा फ्राई हो जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च के अलावा मैंने यहाँ पर यूज़ किए बॉइल्ड कॉर्न्स। तो ये पहले आप कॉर्न को बॉईल कर लें, देन हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसे 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें गाइस, वेजीज यहाँ पर सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसे भी निकाल लेंगे जारे की मदद से, देखें इस तरीके से। तो किसी प्लेट में और बाउल में, किसी भी चीज़ में आप निकाल लें वेजीज, देखें कितना कलरफुल लग रहा है। अब इसी पैन में 1 टेबल स्पून तक बटर ऐड कर देंगे। देखें ऑयल इसमें थोड़ा थोड़ा है, तो हम इसमें ही बटर ऐड कर देंगे, और बटर को हम मेल्ट होने देंगे। तो देखें, जैसे ही बटर मेल्ट हो गया, अब इसमें हम 4 क्लोव्स लहसुन की डालेंगे। तो ये बारीक बारीक चॉप कर लें, तो वो ऐड कर दें, और इसे हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। जैसे ही गोल्डन हो जाएगा, हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी कि मैदा ऐड कर देंगे, और इसको हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो ये बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, तब तक हमें इसको चम्मच चलाते रहना है और मिक्स करते रहना है, देखें इस तरीके से। और फिर इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। तो तकरीबन हम 1.5 कप मिल्क ऐड करेंगे। तो पहले 1 कप ऐड कर दें, उसे अच्छी तरीके से कर लें मिक्स। देन हम दूसरा भी ऐड कर देंगे, उसे अच्छी तरीके से क्रीमी टेक्सचर देंगे, देखें इस तरीके से। अब इसमें हम 1.5 टीस्पून ऐड कर देंगे रेड चिल्ली फ्लेक्स, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून तक ब्लैक पेपर, वो ऐड कर दें, और इसे अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। तो बहुत मज़े का बनता है, आप यकीन करें। अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, लेकिन सॉल्ट हमें ख्याल से ऐड करना है, क्योंकि हमने चिकन में भी डाला था, ठीक है। और फिर मिक्स कर लें, यहाँ पर ये स्टेप ख़त्म। अब फ्राइड की भी वेजीज इसमें ऐड कर देंगे। तो ये बहुत सिंपल सी डिश बनती है, बहुत मज़े की लगती है। वेजीज ऐड कर दें, देन फ्राई कर लें इसको अच्छी तरीके से, यानी कि मिक्स कर लें। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पास्ता, जो कि हमने बॉयल कर लिया है, तो वो भी ऐड कर दें। पास्ता ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे, देन इसमें ऐड कर देंगे फ्राइड क्यूरी चिकन, देख रहे हैं इस तरीके से। और फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे, और तकरीबन हम 2 मिनट इसे कवर कर लेंगे। तो देखें गाइस, 2 मिनट हो गई, हम इस लिड हटाते हैं, और ये देखें मज़ेदार हमारा क्रीमी क्रीमी पास्ता रेडी है। तो हम इसे गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। आप देखें कितना इसका टेक्सचर अच्छा आया है, और सब्जियां, और कितना मज़े का लग रहा है ये। तो बस चलें फिर सर्व कर देते हैं।
इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें गाइस। साथ में जो मेरा चैनल है कुक विद शावी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपको देखने को मिले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।